फुटकी की रसोईया में आपका स्वागत है। आज हम आपको नागपंचमी स्पेशल थाली बताएंगे नाश्ते की। तो सबसे पहले हम सेवई बनाएंगे। इसमें देखते सेवई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सेवई बनाने के लिए हमें चाहिए सेवई, ये पतली वाली सेवैया हैं, और घी लगेगी, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको डालने हो वो डाल दीजिए। बस आप पैन गर्म करेंगे, उसमें घी डालेंगे, सेवियाँ भून लेंगे। और दूसरे तरह चने गोभी बनाएंगे। इसके लिए हमें चना बॉयल होने के लिए रख दिया है, नमक डाल के हमने घी डाल दिया। इसमें ड्राई फ्रूट भून के निकाल लेंगे और सेवियाँ भून के निकाल लेंगे। ठीक है, ये बस ज़्यादा भूनना नहीं, हमें थोड़ा सा बस रोस्ट कर लेना हल्का सा। अब हम इसमें निकाल लेंगे मेवा, उसके बाद सेवियाँ डालें। थोड़ी सी सेवैया भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना नहीं तो जम जाएंगे, ओवर नहीं करना। ठीक है, उसको प्लेट से निकाल के डिश आउट कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे दूध पानी डालेंगे तो फिर वो जल जाता है ना, तो वैसा नहीं करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, आधे गिलास से भी कम। और उसके बाद फिर हम दूध डाल देंगे, तो इसको भी साउट कर देते हैं। सभी हमारे घी में भुन चुकी है, बस थोड़ा घी का उसमें महक आना था, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। फिर हम आज अच्छा सेवैया बनाना बहुत ही सिंपल है, बस हमने इसको डिश आउट कर दिया घी में भून के। अब उसी ही जिस पैन में हमने भूना उसी में कढ़ाई में ही दूध डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। अच्छा, दूध डाल के हमें कम से कम 15-20 मिनट चलाना है उसको, तो कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ी सी मतलब तो कंडेंस होने देना दूध को, जिससे टेस्ट आता है। अगर दूध जो है आपका डेरी वाला है, जैसे हमारा गाय का है तो पतला होता है ना, थोड़ा गाढ़ा होना है। अगर आपका दूध क्रीम वाला है तो फिर आप 10-15 मिनट में हो जाएगा, वरना 15 से 20 मिनट आपको गर्म करना पड़ेगा मीडियम टू लो फ्लेम में। फिर हम सेवई ऐड करने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना, बस दूध पकाना है हमें और चीनी बाद में ऐड करना है। सिर्फ दूध पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, जितना वो पकेगा अच्छे से ना उतनी ही टेस्टी लगेगी सेवई। फिर तो इसको अच्छे से पकने देते हैं। आप चाहें तो इसमें मिल्क और टेस्ट इन्हेंस करना चाहे बढ़ाना चाहे तो मिल्क पाउडर डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा दूध निकालिए एक कलछुल और कटोरे में मिल्क पाउडर मिलाकर, तो कंडेंस मिल्क वाला टेस्ट आ जाएगा बढ़िया। मैंने इसमें कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, आप चाहे केसर भी डाल सकते हो दूध में होकर, और पीसी इलायची। तो अभी हमारा मिल्क अच्छे से रेड्यूस हो चुका है, साइड से मलाइया निकाल के मुझे किनारे लगती है, उसी दूध में कर देंगे और फिर सेवैया ऐड कर देंगे। मेवे में हमने मखाना वगैरह डाल दिया था जिससे कि ये थोड़ा घी में अच्छे से पक जाए, और उसे भी आप डाल देंगे अपनी। अब इसमें अपनी सेवैया ऐड कर देंगे रोस्टेड की हुई है, बस 3-4 मिनट लगेगा, थोड़ा उसके बाद ढक देंगे, सेवैया रेडी। आप चाहे सेवैया डालने से पहले शुगर ऐड कर दीजिए, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी शुगर फ्री निकालनी है तो इसलिए, जिसके लिए मैंने ये मिल्क अलग से लिया है, इसमें शुगर फ्री ऐड की हुई है, तो इसको डाल देंगे उसमें थोड़ा सा पकने के बाद, फिर चीनी ऐड करेंगे। थोड़ा देर 2 मिनट ढक देना, फिर अगर शुगर फ्री निकालनी है तो निकाल लेंगे, फिर बाद में चीनी डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमारी सेवैया हो गई रेडी, इसमें चीनी भी ऐड कर दी हमने। अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, को थोड़ा देर और ढक देंगे जिससे अच्छे से चीनी घूम जाए, क्योंकि अभी हमने डाली है ना, तो थोड़ी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर बराबर चला के बाउल में सर्व कर लीजिए। सॉरी, और ये हमारी शुगर फ्री वाली जो हमने निकाली थी, उसमें शुगर फ्री ऐड कर दी है और चला लिया बराबर। सो थोड़ी देर बाद अभी ये भी ठीक हो जाएगी, तो चलिए हमारी सेवैया तो रेडी हो गई। अब हम चने की ओर चलते हैं, चना खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा चना बॉईल हो चुका है। अब हम चने की ओर चलते हैं, घुघरी बनाते हैं। घुघरी बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो जिसमें हमने चना बॉईल किया था उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें तेल डाल देंगे, कोई भी खाने वाला तेल डालिए, सब्जी वाला। फिर जीरा, फिर
फिर हींग, फिर हम प्याज और मिर्चा डाल देंगे, लहसुन और अदरक भी उसे बारीक बारीक काट के डालेंगे। नमक डाल देंगे जिससे कि लाल हो जाए, जल्दी भुन जाए प्याज। धीरे से हमारा चना कितना अच्छा बॉईल हो गया, इसमें सॉफ्ट हो चुका है। इसे कितना सुंदर दिख रहा है, सॉफ्ट हो गया, खाने में आराम रहेगा। इधर हमारा मसाला भी मिल गया, इस तरह बॉईल करने से कोई भी खा सकता है आराम से, किसी को दिक्कत नहीं होगी खाने में, ऐसे बहुत टाइट हो जाता है। अपने बेसिक मसाले भी ऐड कर देंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, धनिया है, धनिया भी हम ऐड कर देंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं अच्छे से, अब हम इसमें अपने बॉइल चने के लिए डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे, और नमक हमने पहले भी डाला था तो ध्यान से स्वाद अनुसार डाल देंगे, ऐड करेंगे, और सब्जी वाला मसाला, गरम मसाला ऐड करेंगे। बस हम नमक लगा के कुक कर देंगे, सीटी लगा देंगे, एक सीटी लगाएंगे क्योंकि बॉयल ऑलरेडी हो चुका है। ये हमारी सीटी, तो हमारी आगे इसमें देखे थी, इसको हम देख लेंगे। ये देखिए बन गया, अच्छे से तैयार हो गया। और अगर ड्राई खाना खाए तो आप और दिखा सकते हैं, भून लेंगे थोड़ा सा, बस उसके बाद इसको डिसॉल्व कर लेंगे एक बाउल में। तो हमारे नाश्ते में चिकन नाश्ता तैयार है, चने की सुगरी और सेवई। ये देखिए हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया, नाश्ता की स्पेशल ब्रेकफास्ट चने की सुगरी और सेवई। ये रही हमारी सेवई, अच्छे से सीखी हो चुकी है, एकदम आइसक्रीम जैसी लगी है। और ये रहा हमारा चना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। हैप्पी अनाउंसमेंट टू ऑल।